साल 2030 एक अननोन वायरस की वजह से इस पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड ये भी कोई आम जॉम्बीज नहीं है, क्योंकि ना ही ये धूप में जलते हैं, एंड ये एक नॉर्मल जॉम्बी से 5 times ज्यादा पावरफुल है। एंड इस वर्ल्ड में कभी भी ब्लड मून हो सकता है, जिसकी वजह से ये जॉम्बीज की पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि ये वर्ल्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड डे 95 को असली एपोकलिप्स स्टार्ट होगा, जिसमें हमें टोटल 5 waves देखने को मिलेगी, एंड हर वेव्स के साथ इन जॉम्बीज की पावर और भी बढ़ती चली जाएगी, जिसमें ये जॉम्बीज ब्लॉक्स को माइन भी कर सकते हैं एंड साथ ही ब्लॉक्स को प्रेस करके चढ़ भी सकते हैं। सो हमें ऐसे वर्ल्ड में 5 waves को सर्वाइव करते हुए कंप्लीट करने 100 days, वो भी हार्डकोर में। तो क्या हम ये 100 days सर्वाइव कर पाएंगे, वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस प्यारे से हरे भरे वर्ल्ड में, जो कि बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। एंड सही में गाइस, आप एक बार इस वर्ल्ड को देखो, ये कितना ज्यादा रियल लग रहा है। इसके लीव्स ग्रास काफी ज्यादा रियल लग रहे हैं। एंड स्पेशली गाइस, ये जो ट्री का लॉग है, ये तो टोटली सर्कुलर है, ऐसा लग रहा है कि ये रियल का ट्री है। सो मैं ऐसे कुछ लकड़ियों को तोड़ लेता हूं बेसिक से टूल्स के लिए। तो एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके मैं एक वुडन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। पास में मुझे केव दिखती है, तो मैं डिसाइड करता हूँ कुछ स्टोन को माइन करने का। बट जैसे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज नजर आ जाते हैं। सो मैं फटाफट से बाहर आ जाता हूँ, एंड बाहर आके मैं सबसे पहले एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड इन सारे ज़ॉम्बीज को मारने की ट्राई करता हूँ। एंड सही में गाइस, ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी सारे हिट देने के बाद ये मर रहे। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली मैं इनको मार देता हूँ। एंड गाइस, एक बार इनकी एनिमेशन देखो कि इनकी बॉडी कैसे पड़ी है। तो उसके बाद मैं यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन को माइन कर लेता हूँ, एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है, सो मैं उसको भी माइन कर लेता हूँ। एंड स्टोन की हेल्प से मैं एक स्टोन की पिकैक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी गाइस, मुझे खाने की काफी ज्यादा जरूरत थी, एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे एनिमल्स दिख रहे थे। तो थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे एक और एक केव मिल जाती है, जहाँ पे मुझे काफी सारे आयरन नजर आ रहे थे। सो मैं यहाँ से जितने भी आयरन कलेक्ट कर सकता था, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। माइनिंग करके मैं जस्ट बाहर निकला ही था कि तभी मुझे मैसेज आता है कि ब्लड मून शुरू होने वाला है। सो क्योंकि हमने अभी तक अपने लिए बेड क्राफ्ट नहीं किया था, एंड अपने पास कोई भी रहने के लिए जगह भी नहीं थी, सो मैं यहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढा बनाने लग जाता हूँ। एंड यहीं पे मैं एक छोटा सा कमरा बना लेता हूँ, ताकि हम आज की रात सर्वाइव कर सके। तो एक फर्नेस क्राफ्ट करके हमने जितने भी फूड कलेक्ट किए थे, उसे मैं कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड ऐसे देखने के लिए कि ब्लड मून में आखिर होता क्या है, मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज मुझे देख लेते हैं एंड मुझ पर अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं। एंड अगर इनको मारना चाहे तो ये इतनी आसानी से मरते भी नहीं है। सो मैं फटाफट से अपने बेस पे भागने का ट्राई करता हूँ, कि इसी चक्कर में एक ज़ॉम्बी अपने बेस के अंदर ही घुस जाता है, एंड वो मुझे काफी गंदा डैमेज देने लग गया था, जिससे मुझे लग रहा था कि अभी हम मर ही जाएंगे। बट जैसे तैसे करके हम सर्वाइव कर लेते हैं। एंड अभी मैं डिसाइड करता हूँ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने का, एंड रात भर यही रुकने का। एंड जैसे मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है, मैं यहाँ से दूसरा रास्ता बनाने लग जाता हूँ बाहर निकलने के लिए। एंड जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ, काफी सारे ज़ॉम्बीज एक साथ में मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंड भाई साहब, यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके थे, एंड कुछ ज़ॉम्बीज तो आई थिंक दुबई से भी इंपोर्ट कराए गए थे। एंड गाइस, आप लोग एक बार ये देखो कि यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं, एंड ये दिन में जल भी नहीं रहे। सो वहाँ से बच के मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ, एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे काफी अलग अलग कलर के पिक्स थे। एंड वैसे भी इन ज़ॉम्बीज की वजह से हमें काफी ज्यादा फूड की जरूरत पड़ रही थी, तो मैं थोड़ा सा फूड और कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि फाइनली आप लोगों की बहुत सारी डिमांड के बाद अब अपना भी एक पब्लिक सर्वर बन चुका है, जिसका नाम है एक्सोटिक नेटवर्क, जहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल से लेकर पीवीपी सब देखने को मिलेगा। एंड ये प्रीमियम क्रैक दोनों के लिए अवेलेबल है, एंड हाँ, मोबाइल प्लेयर्स भी यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। एंड क्योंकि ये आपके भाई का सर्वर है, तो आप इस पे भरोसा भी कर सकते हो। तो स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में आपको IPN पोर्ट दिख रहा होगा, तो अभी जाओ और ज्वाइन करो एंड मजे से खेलो। एंड हाँ, एक्सोटिक नेटवर्क के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन करना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं ऐसे फूड कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी के पास ही में मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज मिल चुका था, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ के विलेजर्स जिंदा थे, यानी कि यहाँ के विलेजर्स इन्फेक्टेड नहीं थे। एंड पता नहीं यहाँ के विलेजर ऐसे डाकू की यूनिफॉर्म पहन के क्यों थे। एंड फिर मैं इन विलेजर्स के घर को चेक करता हूँ, जो कि इनके दिमाग की तरह ही खाली था। तो एक घर में रुक के मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड क्योंकि अभी तक रात नहीं हुई थी, सो मैं इन विलेजर भाइयों के घर से थोड़े से बुकशेल्फ उठा लेता हूँ। एंड जैसी रात हो जाती है, मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। एंड क्योंकि इस विलेज में कुछ भी ऐसा काम का खास था नहीं सिवाय इस वीट के, सो मैं यहाँ से थोड़े बहुत वीट कलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे कुछ सीड्स मिल सके, जिसके हेल्प से मैं आगे चल के फार्मिंग कर सकूँ। एंड इसी बीच मुझे पता चलता है कि अपने विलेज के काफी ज्यादा क्लोज में एक डेजर्ट टेम्पल भी था। सो मैं डेजर्ट टेम्पल के अंदर आ जाता हूँ, जिसकी चेस्ट में से मुझे एक रेस्पिरेशन की बुक, एक गोल्डन एप्पल, एक चैनलिंग की बुक, थोड़े से गोल्डन एमरल्ड मिलते हैं। एंड क्योंकि
अभी मेरे पास आयरन था, सो मैं एक आयरन का हेलमेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा से और आयरन स्मेल्ट करके मैं एक आयरन के बूट्स और एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं इस विलेज से फटाफट से आगे की तरफ निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं रास्ते में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से ब्लड मून स्टार्ट हो जाता है, सो मैं सोने का ट्राई करता हूँ। बट तभी मुझे पता चलता है कि ब्लड मून के टाइम पे हम सो बिल्कुल नहीं सकते, यानी कि हमें रात भर जागना पड़ेगा। बट तभी लकीली मुझे एक और एक विलेज मिल जाता है जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ आज की रात बिताने का। बट मेरे पहुंचने से पहले यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज ऑलरेडी पहुंच चुके थे। क्या रे भिख मंगिया। तो मैं फटाफट से घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज मुझ पे अटैक ना कर सके। एंड ये लोगों ने डोर भी तोड़ दिया था, सो मैं अंदर जाके फटाफट से स्टोन लगा के यहीं पे वेट करता हूँ नेक्स्ट डे होने का। एंड नेक्स्ट डे होते ही फ्लैश की स्पीड पकड़ते हुए मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ। तो काफी देर चलने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया सा प्लेन्स बायोम मिल जाता है, जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि यहीं पे हम अपना बेस बनाएंगे। तो यहीं पे मैं फटाफट से अपनी चेस्ट को लगा के मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड फिर मैं आ जाता हूँ केव में आयरन की माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने अपने आयरन आर्मर को कम्प्लीट नहीं किया था। बट मेरे से पहले कुछ और मेहमान वहाँ पे पहुंच जाते। एंड ये मेहमान इतने ज्यादा बुद्धू थे कि मेरे पास पहुंचते ही ऑटोमेटिकली सुसाइड करने लग जाते, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड ये अपने आप ही ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाते। आगे कुछ ज़ॉम्बीज को मार के मुझे जितना भी आयरन यहाँ से मिलता है मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे लावा दिखता है जिसे मैं कलेक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि तभी फिर से ब्लड मून हो जाता है। एंड फिर मैं यहाँ पे जो है ब्लॉक्स को तोड़ के चेक ही कर रहा था कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी मुझे धक्का दे देता है एंड मैं ऑलमोस्ट नीचे की तरफ गिरने ही वाला था। एंड ब्लड मून होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज केव के अंदर आ चुके थे, सो मैं यहीं पे छुपने का ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ से अभी के लिए बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एंड फिर नेक्स्ट डे की सुबह होते ही अपना अग्नि अस्त्र इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं मैं उन सबको मार देता हूँ। फिर उसी लावा की हेल्प से मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ एंड फिर यहीं से मैं कुछ कोबलस्टोन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। एंड तब तक मेरे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं, सो उसके हेल्प से मैं आयरन की लेगिंग्स, एक आयरन की पिकैक्स, एक्स और स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड क्योंकि अभी हमें अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना था जिसके लिए मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी, सो मैं यहाँ पे काफी देर तक एएफके रह के काफी सारे कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड कई दिनों की कोबलस्टोन की माइनिंग करने के बाद मैं उन सारे कोबलस्टोन को वॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड उन सारे वॉल्स की हेल्प से मैं वॉल बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना कर सके। वाह, वॉल की हेल्प से वॉल बनाने का ट्राई करता हूँ। नाइस। एंड थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं इसे डबल लेयर में बना देता हूँ। बाउंड्री बना देने के बाद मैं यहाँ से सारे डर्ट को क्लियर करने लग जाता हूँ ताकि हम अपने बेस को प्लेन बना सके। एंड उन सारी डर्ट को रीयूज करके जहाँ जहाँ पे एरिया खाली रह चुका था वहाँ पे मैं डर्ट से फिल कर देता हूँ। एंड इसकी हेल्प से गाइस अभी कोई भी ज़ॉम्बी अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा, ये अंदर ही स्पॉन हुआ था इसलिए कोई बात नहीं। एंड क्योंकि अभी हम अपने वॉल की वजह से ज़ॉम्बी से सेफ थे एंड अभी ब्लड मून हो चुका था यानी कि हम सो भी नहीं सकते थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ इस टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पे अपने लिए छोटा सा फार्म बिल्ड करने का, जिससे हमें काफी सारे फूड मिल सके एंड हमें फूड की कभी भी कमी ना हो। सो मुझे थोड़े बहुत टोमेटो के एंड फ्लैक्स सीड्स मिले थे, मैं उनको लगा देता हूँ। एंड साथ ही विलेज में से मैं काफी सारे वीट के सीड्स भी लेके आया था, सो मैं उनको भी प्लांट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं डिसाइड करता हूँ सारे ज़ॉम्बीज को एक तरफ जमा करके जलाने का। बट भाई साहब, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पता नहीं ये कौन से सुरंग से निकले ही जा रहे थे। एंड एक बार गाइस आप लोग ये देखो कि कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं। एंड गलती से भी अगर मैं नीचे की तरफ गिर गया तो मेरा कीमा बन जाएगा। सो फिर से अपने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए मैं अपरिचित स्टाइल में इन सबको मार देता हूँ। एंड सही में यहाँ पे मेरा गेम काफी ज्यादा लैग हो रहा था। ज़ॉम्बीज को मार देने के बाद मैं कुछ शोरकेन्स को भी लेके आया था, सो मुझे उनको भी प्लांट करना था। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शोरकेन फार्म बिल्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे अपने कुछ शोरकेन्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड क्योंकि अब अपने पास बेस था तो वीट का लालच दिखाते हुए मैं अपने साथ कुछ शीप्स एंड कुछ काउस को अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ। एंड फेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं उनके आसपास बाउंड्री बना देता हूँ एंड मैं दोनों एनिमल को अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ केव में थोड़ी बहुत माइनिंग करने के लिए, स्पेशली डायमंड्स की तलाश में। एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन मिल जाते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे कुछ लैपिस लाजुली एंड कोल भी मिल जाते हैं। एंड फिर चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे मिल जाते एक माइन शाफ्ट। एंड यहाँ पे कोल को माइन करते हुए मुझे काफी सारे गोल्ड, रेड स्टोन एंड काफी सारे आयरन मिल जाते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड उन आयरन से गाइस मैं डिसाइड करता हूँ एक आयरन शील्ड क्राफ्ट करने का, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन 538 था, सो ये हमें ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता था। सो जब तक आयरन शील्ड के लिए आयरन स्मेल्ट हो रहा था मैं आसपास देखने लगता हूँ कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिल जाते हैं जिनको माइन करने पे यहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 8 डायमंड्स मिल जाते हैं। एंड फिर यहाँ से बाहर निकलते सामने मुझे और 2 डायमंड्स मिल जाते हैं जिसे भी मैं माइन कर लेता हूँ। एंड जैसे हमारे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं मैं फाइनली एक आयरन की शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड हमें जो डायमंड्स मिले थे उससे एक डायमंड की पिकैक्स, जिसके हेल्प से यहाँ पे जितने भी ऑब्सिडियन थे मैं उनको कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड माइनशाफ्ट में काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर भी मुझे कूड़ा ही मिलता है।
एंड इस शील्ड की गाइस एक बात काफी ज्यादा अच्छी है कि इससे हम ज़ॉम्बीज़ को नॉक बैक दे सकते हैं। एंड फिर ऐसे चलते चलते गाइस मुझे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिल जाता है, जहाँ पे दोनों स्पाइडर अचानक से मुझ पे अटैक करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बट मैं कैसे भी करके इनको मार देता हूँ। एंड फिर मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, जिसमें से मुझे गोल्डन एप्पल एंड कुछ बोन्स मिलते हैं। एंड काफी अच्छी माइनिंग ट्रिप के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ जाता हूँ। एंड उसके बाद गाइस मैं डिसाइड करता हूँ अपने वॉल को थोड़ा सा एक्सपांड करने का, क्योंकि अभी मुझे घर बनाना था अपनी सेफ्टी के लिए। एंड ये जगह मेरे लिए थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, सो मैं यहाँ से सारे वॉल्स को हटा देता हूँ। एंड थोड़ा सा एरिया बड़ा करके मैं यहाँ पे नई वॉल्स को प्लेस कर देता हूँ। एंड अभी घर को बनाने के लिए मुझे काफी सारे लकड़ियों की जरूरत थी, तो हमारे बेस के जस्ट पीछे एक बड़ा सा फॉरेस्ट था, जहाँ से मैं काफी सारी लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे घर के लिए थोड़े से स्टोन ब्रिक्स की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टोन को स्मेल्ट करने लगा देता हूँ, ताकि मैं उन्हें नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट करके कुछ स्टोन ब्रिक्स बना सकूँ। एंड फाइनली सारा सामान कलेक्ट कर लेने के बाद मैं अपने घर को बनाना शुरू कर देता हूँ। घर बन जाने तक हमारे शोरगेंस यहाँ पे थोड़े से ग्रो हो चुके थे, तो मैं उनको हार्वेस्ट करके यहाँ पे कुछ और शोरगेंस को प्लांट कर देता हूँ। एंड शोरगेंस के साथ ही हमारे सारे क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो हो चुके थे, एंड हमें फूड की ऑलरेडी काफी ज्यादा जरूरत थी, सो मैं ऐसे सारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उनके बदले मिली हुई सीड्स को वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड उसके बाद अपने पोर्टल के जरिए मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर के लिए। एंड नेदर में मैं पहुंच के यहाँ से सारे नेदर एग्स को कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। एंड मैं ये क्यों कर रहा था वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने वॉल के बाहर एक गड्ढा बनाता हूँ, एंड यहाँ पे मैं जितने भी नेदर एग्स को लेके आया था मैं उनको यहाँ पे प्लेस कर देता। एंड उन नेदर एग्स पे मैं फ्लिंट एंड स्टील का यूज करते हुए आग लगा देता हूँ, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अगर वॉल के अंदर एंटर करने का ट्राई करे तो वो इस गड्ढे में गिर जाए एंड जल के मर जाए। एंड कुछ ही देर में गाइस फाइनली यहाँ पे फिर से ब्लड मून हो चुका था। एंड अब बारी आ चुकी थी अपने सस्ते से ट्रैप को टेस्ट करने की। एंड देखा जाए तो गाइस हमारा ट्रैप काफी सही तरीके से काम कर रहा था, जो भी ज़ॉम्बी अंदर एंट्री करने का ट्राई कर रहे थे वो इस गड्ढे में गिर जा रहे थे एंड इजीली मर जा रहे थे, सो हमें इन्हें मैन्युअली भी मारने की जरूरत नहीं थी। यानी कि अब हमारा जो बेस है वो इन ज़ॉम्बी से कुछ हद तक सिक्योर हो चुका था। फिर नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने एनिमल्स को थोड़ा बहुत फूड खिलाता हूँ एंड इनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग करवा देता हूँ, क्योंकि काफी टाइम से मैंने इन्हें कुछ भी नहीं खिलाया था। एंड थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ इस वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। काफी देर चलने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है, जिसके अंदर मैं फटाफट से चले जाता हूँ। इसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे एक बड़े ट्रेजर का मैप, एक फायर एस्पेक्ट की बुक, एक स्वीपिंग एथ की बुक एंड कुछ कूड़ा मिलता है। एंड तभी चलते चलते लकीली मुझे एक और एक डेजर्ट टेम्पल मिल जाता है, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे एक सैडल, एक हॉर्स का आर्मर, थोड़े से बोन्स एंड आयरन मिल जाते हैं। एंड ऐसे थोड़ा देर चलते चलते फाइनली मुझे फिर से एक और एक डेजर्ट विलेज मिल जाता है, जिसमें मुझे एक डाकू भाई का घर मिलता है, जिसकी चेस्ट को चेकआउट करने पे मुझे एक डायमंड, एक आयरन की स्वॉर्ड, एक आयरन का हेलमेट एंड थोड़े से ब्रेड मिलते हैं। एंड यहाँ पे गाइस मैं आराम से चिल करते हुए विलेज को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ ब्लड मून फिर से शुरू हो चुका था। एंड अपने पास कोई भी बढ़िया सी जगह नहीं थी रहने के लिए, बट अच्छा हुआ यहाँ पे मुझे स्टोन का टावर मिल जाता है, जिसके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ। बट ये धीरे धीरे सारे विलेज के विलेजर को इन्फेक्ट करके अपनी तरह उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे थे, सो मैं नीचे आके इनको जो है लावा से जलाने का ट्राई करता हूँ। बट अब इनकी स्पीड जो है काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी एंड ये मुझ पे भी काफी तेजी से अटैक करने आ रहे थे, सो मैं ऊपर चढ़ के इनको जलाने का ट्राई करता हूँ, बट ये इतने ज्यादा थे कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो मैं फटाफट से फिर से आ जाता हूँ टावर के ऊपर ही। बट काफी देर वेट करने के बाद जैसे ही ब्लड मून खत्म हो जाता है, सो इस मैप को फॉलो करते हुए मैं सीधे निकल जाता हूँ ट्रेजर को ढूंढने के लिए। A few inches later, एंड काफी देर ढूंढने के बाद गाइस फाइनली मैं ट्रेजर वाली लोकेशन में पहुंच जाता हूँ। एंड यहाँ पे सही में माइनिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस वर्जन में हमारे प्लेयर को स्विमिंग करने भी नहीं आता था, तो मुझे लगा कि हम पानी में डूब के मर जाएंगे, बट मैं कैसे भी करके बच जाता हूँ। एंड फाइनली काफी मुश्किलों के बाद मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ एंड इसमें से मुझे सिर्फ कूड़ा ही मिलता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड इस वर्ल्ड में मुझे कुछ ऐसा ज्यादा खास एक्सप्लोर करने को मिला नहीं, सो मैं वापस से अपने बेस पे आ जाता हूँ। एंड तभी मुझे एक व्हाइट कलर का हॉर्स मिलता है, सो मैं डिसाइड करता हूँ उसको टेम करने का। तो मैं जो आयरन हॉर्स का आर्मर और सैडल लेके आया था मैं उसको पहना देता हूँ एंड बड़ी सेफ्टी के साथ मैं उसे अपने बेस के अंदर लेके आ जाता हूँ। एंड एक जगह पे मैंने जहाँ पे बीटरूट फार्म किए थे उस एरिया को क्लियर करके मैं वहाँ पे अपने प्यारे से हॉर्स को रख देता हूँ। एंड अभी गाइस आगे कुछ काम करने के लिए मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी, सो मैं डिसाइड करता हूँ एक कोबलस्टोन जनरेटर बिल्ड करने का। एंड काफी देर की मेहनत करने के बाद गाइस फाइनली हमारा जनरेटर बनके रेडी हो जाता है, तो मैं यहाँ पे काफी देर तक एएफके रखे काफी सारे कोबलस्टोन को कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। करीब 3-4 घंटे की एएफके करने के बाद मुझे जितने भी कोबलस्टोन मिले थे उन सबको मैं वॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड उसके हेल्प से गाइस मैं अपने वॉल की हाइट को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हमारे ज़ॉम्बीज और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे। एंड एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि ये ज़ॉम्बीज जो है इन वॉल को तोड़ना भी शुरू कर देंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने बेस को जितना ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकते उतना करें, सो मैं वॉल की हाइट को बढ़ा देता हूँ। एंड अभी गाइस काफी ज्यादा टाइम हो चुका था एंड अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर बनाने की, तो मैं आ जाता हूँ एक केव में, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिप माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ।
एंड कई दिनों की मेहनत करने के बाद टोटल 51 डायमंड्स के साथ मैं अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड घर पहुँच के मैं बिना देरी करते हुए सबसे पहले अपने लिए एक फुली डायमंड का आर्मर क्राफ्ट करता हूँ, साथ ही अपने लिए डायमंड की पिकैक्स, एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड की शील्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस मैं नोटिस कर रहा था कि हम डायमंड की और भी काफी सारी चीजें क्राफ्ट कर सकते थे, जैसे कि अगर हम डायमंड स्वॉर्ड को देखें तो वो 7 हार्ट का डैमेज देता है, लेकिन उसकी जगह अगर हम डायमंड हेलमेट क्राफ्ट करते हैं तो वो 14 हार्ट्स का डैमेज देता है, तो मैं उसी को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड ये देखो गाइस, ये देखने में सही में कितना ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। एंड साथ ही गाइस इस वर्ल्ड में हम एक डायमंड का बूमरैंग भी क्राफ्ट कर सकते थे, एंड इसका यूज ये है कि हम इसको जिसको भी फेंक के मारेंगे ये वापस अपने पास से आ जाएगा, जैसे कि एक थॉर का हैमर होता है। एंड इसकी हेल्प से हम ज़ॉम्बीज को थोड़ा बहुत अपने पास आने से रोक सकते थे। एंड अगर हम बात करें डायमंड हेलमेट की, तो इसकी हेल्प से हम लिटरली एक शॉट में किसी भी ज़ॉम्बी को मार सकते थे, एंड ये इतना ज्यादा तगड़ा डैमेज दे रहा। सो उसके बाद घर पहुंच के मैं एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मुझे लेदर की जरूरत थी, तो अपने काउस के पास पहुंच के मैं यहाँ से सारे काउस को मारने लग जाता हूँ। एंड साथ ही मैं थोड़े बहुत शोर केन्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उनकी हेल्प से कुछ पेपर को क्राफ्ट करके मैं काफी सारे बुकशेल्फ क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर देता हूँ। एंड क्योंकि गाइस अपने पास इतनी एक्सपी नहीं थी, तो हम ज्यादा हाई लेवल की एन्चेंटमेंट नहीं लगा सकते थे, तो मुझे जो भी छोटी मोटी एन्चेंटमेंट मिल जाती मैं उसे अपने आर्मर पे लगा देता हूँ, एंड मैं एन्चेंटिंग वाला पार्ट रिकॉर्ड करना ही भूल जाता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली छोटी मोटी एन्चेंटमेंट के साथ हमारा फुल्ली एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर रेडी हो चुका था। एंड अब गाइस मैं डिसाइड करता हूँ एक टनल बिल्ड करने का, क्योंकि जैसे अपोक्रिप्स हो जाएगा, हो सकता है कभी ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि हमें यहाँ से थोड़ी देर के लिए भागना पड़े, तो अपने घर के सेंटर से खोदते हुए मैं यहाँ पे सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। एंड उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे एक टनल बनाना शुरू कर देता हूँ। टनल की दूसरी साइड भी सीढ़ियाँ लगा के मैं यहाँ पे कुछ वुडन टेबल्स प्लेस कर देता हूँ। एंड टेबल के सामने मैं बोट लगा देता हूँ, जिसपे बैठ के हम यहाँ से कभी भी भाग सकते हैं। एंड डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस लगा देता हूँ, एंड अपने टनल को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट कर देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमारा एस्केप टनल भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, इसमें मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी कर दिए। एंड ये रहा उसका दूसरा साइड, जहाँ से हम इस तरीके से बाहर आके अपने बोट में बैठ के यहाँ से सीधा निकल सकते हैं। एंड वैसे तो गाइस अभी अपने पास टनल है भागने के लिए, बट हमारा मेन मोटिव भागना नहीं सर्वाइव करना है, सो मैं डिसाइड करता हूँ एक टावर बनाने का, जो कि होगा एक वॉच टावर, जो अगर ज़ॉम्बी काफी ज्यादा हो जाते हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, सो वो वॉच टावर हमारे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो चलो फिर उसे भी बनाना शुरू करते हैं। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमारा वॉच टावर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा सही लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी गाइस मैं देख पा रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी 94 डेज कंप्लीट कर लिए, यानी कि अपोक्लिप्स होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। एंड फाइनली गाइस वो दिन भी आ जाता है जहाँ पे हमारी अपोक्लिप्स स्टार्ट हो जाती है, एंड डे 95 का ब्लड मून भी शुरू हो जाता है। सो अपोक्लिप्स शुरू होते सिचुएशन काफी ज्यादा सही जा रही थी, क्योंकि हमारा सस्ता ट्रैप काफी सही तरीके से काम कर रहा था, ये सारे ज़ॉम्बी जो उसमें गिर के जल के ऑलरेडी मर जा रहे थे। बट तभी मैं नोटिस करता हूँ कि इसी बीच इन्होंने जो है तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया था, यानी कि ये जो है अब तोड़फोड़ करके अंदर आने का ट्राई कर रहे थे। एंड ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने ऑलमोस्ट जो है वॉल को तोड़ ही दिया था। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था इनको मार के जो है ब्लॉक्स प्लेस करने की, बट काफी ज्यादा फास्ट थे माइंड करने में, एंड मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था इनको रोकने में। मैं इनको रोकते जा रहा था एंड ये तोड़ते जा रहे थे। फिर मैं डिसाइड करता हूं इनको ऊपर चढ़ के मारने का, बट मैं तभी नोटिस करता हूं कि ये लोग जो है ब्लॉक्स लगा के ऊपर चढ़ के आ रहे मारने के लिए, एंड मैं इन्हें मारते जा रहा था एंड ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंड तभी अचानक से इन्होंने जो वॉल को तोड़ दिया था, एंड एक साथ काफी सारे ज़ॉम्बी जो है हमारे बेस के अंदर घुस चुके थे। एंड मैं जो इनसे बचने के लिए ऊपर चढ़े जा रहा था, बट ये भी मेरे साथ जो है ब्लॉक्स प्लेस करते हुए मेरे पास आए जा रहे थे। एंड फिर गाइस मैं यहां पे लावा का यूज करता हूं, एंड सही में गाइस इस एपोकलिप्स में लावा ने मेरा काफी अच्छा साथ दिया। फिर गाइस मैं अपने घर पे चढ़ जाता हूँ इनसे बचने के लिए, बट तभी मैं नोटिस करता हूँ कि इन्होंने जो है नीचे से जो है घर को तोड़ना भी शुरू कर दिया था, एंड धीरे धीरे ये घर में भी घुस रहे थे। बट तभी लकीली नेक्स्ट डे की सुबह हो जाती है, एंड इन अपोक्लिप्स में गाइस जैसे धूप निकलती है कुछ हद तक जो है ज़ॉम्बी जलना शुरू कर जाते हैं। एंड फाइनली गाइस डे 95 की रेड यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। एक बार आप लोग ये घर का मेरा हाल देखो, हमारा घर कैसा हुआ करता था, एंड हमारे बेस का हाल अब कैसा हो चुका है। तो जहाँ पे भी इन लोगों ने जो तोड़फोड़ मचाई थी, मैं वो सारे एरिया को रिपेयर करता हूँ, एंड फिर यहाँ पे मैंने जितने भी क्रॉप्स लगाए थे मैं उन सबको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड फिर तभी डे 96 की भी ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स यहाँ पे शुरू हो जाती है, एंड यहाँ पे अभी जो है काफी सारे ज़ॉम्बीज वॉल को तोड़ के इजीली अंदर आ जा रहे थे। मैं मोस्टली जो है लावा का यूज कर रहा था, बट तभी मैं अचानक से जलने लग जाता हूँ, एंड इसी चक्कर में जो ऑलमोस्ट काफी सारे ज़ॉम्बीज अंदर एंट्री कर जाते हैं। एंड जब तक मैं जो है एक साइड के वॉल की ज़ॉम्बीज को संभाल ही रहा था, कि तभी मैं देखता हूँ कि पीछे वाली वॉल भी टूट चुकी है, एंड वहां से भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज आना शुरू हो चुके हैं। तो वहां पे भी पहुंच के मैं जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि ज़ॉम्बी जितना हो सके अंदर ना आ पाए, बट मेरे कितना रोकने पे भी काफी सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं, जिसे मैं धीरे
धीरे धीरे करके तो मार ही देता हूँ। एंड इसी तरह हमारे Day 96 की भी अपोक्रिप्स खत्म हो जाती है। Day 96 को मैं देखता हूँ कि अपोक्रिप्स शुरू हुई थी कि इन्होंने जो पूरी वॉल को तोड़ दिया था एंड ये काफी ज्यादा तादाद में आ रहे थे। यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे कि इनको हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सो इस सिचुएशन में मैं डिसाइड करता हूँ अपने टनल को यूज करने का। सो टनल की हेल्प से मैं जो दूसरे साइड से निकल जाता हूँ एंड उसके बाद बोट में बैठ के मैं डिसाइड करता हूँ रिवर में आज का दिन बिताने का। एंड फिर जैसे Day 98 की सुबह होती है मैं अपने बेस पे वापस आता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मेरा बेस अब बेस बिल्कुल भी नहीं था। हर जगह से हमारा बेस टूट फूट चुका था एंड हर दिन मेरा बस एक ही काम था कि मैं इनको बार बार रिपेयर करते जाऊँ ताकि हमें थोड़ी बहुत सेफ्टी तो मिल सके। एंड तभी गाइस मैं सोचता हूँ कि एक घर तो हमारा ज़ॉम्बी से हमें बचा नहीं पा रहा है एंड अब बारी आ चुकी है अपने वॉच टावर को यूज करने की। तो Day 98 का जैसे ब्लड मून आने वाला था उससे पहले ही मैं जो है यहाँ पे टावर पे चढ़ जाता हूँ। एंड टावर पे चढ़ने का गाइस एक फायदा हो चुका था कि जो ज़ॉम्बी हमें देख नहीं पा रहे थे इस वजह से ये हम पे अटैक भी नहीं कर पा रहे थे एंड काफी इजीली हम Day 98 की भी रात को सर्वाइव कर जाते हैं। एंड मैं सोचता हूँ शायद से हम ऐसे ही इजीली Day 99 की भी रात को सर्वाइव कर पाएंगे बट ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो थोड़ा बहुत और वॉल को रिपेयर करने के बाद मैं फिर से वॉच टावर में चढ़ जाता हूँ क्योंकि अब होने वाला था Day 99 का आखिरी अपोक्लिप्स। एंड मैं सोचता हूँ आज के दिन भी जो है हम इजीली Day 98 की तरह निकाल लेंगे बट तभी मैं नोटिस करता हूँ कि कैसे तो पता नहीं ये लोग मुझे ढूंढ लेते हैं एंड ये लोग टावर पे चढ़ के मुझ पर अटैक करना शुरू कर देते, सारे ब्लॉक्स को तोड़ने लगते बट इन्हें मैं जैसे तैसे करके मार देता हूँ। बट ये सब हुआ ही था कि ये लोग साइड से भी आ रहे थे ब्लॉक्स को तोड़ के मुझ पर अटैक करने के लिए। तो मैं रात जितनी पीसफुल समझ रहा था उतनी बिल्कुल भी नहीं थी बट स्टिल घर के मुकाबले ये टावर ने हमारी काफी ज्यादा हिफाजत कर दिया था। एंड इसी के साथ Day 100 की भी सुबह हो जाती है एंड धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बी जो है धूप की वजह से जल के खत्म हो जाते हैं। यानी गाइस काफी मुश्किलों के बाद फाइनली हमने जो है 5 ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स की वेव्स को सर्वाइव कर लिया था बट ये वर्ल्ड अभी भी हमारे लिए सेफ नहीं था क्योंकि अभी भी यहाँ पे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। तो टनल का यूज करते हुए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ एंड अपने बोट में बैठ के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड मैं डिसाइड करता हूँ इस शहर को छोड़ने का। सो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही। उम्मीद करते आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा और डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइस मैं एम करता हूँ 10,000 लाइक्स का, सो प्लीज करवा देना। सो मिलते गाइस अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।